उधर लॉरेंस बिश्नोई तो इंटरोगेशन दौरान मानसा पुलिस एक कैदी नूं लै के खरड़ सीआईए दफ्तर पहुंची। जहां लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिठा के पुलिस पूछगिछ करेगी। इस कैदी का नाम मनमोहन सिंह मोना दसिया जा रहा है। अज ही मानसा पुलिस ने मोना नूं प्रोडक्शन वारंट से हिरासत च लिया। दस दिए कि चेहरे से मास्क होने कारण मुलजम की पछाण नहीं हो सकी, पर दसिया ही जा रहा है कि मनमोहन सिंह मोना ही होगा यह मुलजम, जिसनों की सीआईए हैडक्वार्टर जिथे कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछगिछ हो रही है उत्थे मोने नूं लिया गया। दस दी कि अज ही प्रोडक्शन वारंट हासिल किया मनमोहन सिंह मोना का, जो कि दसिया जा रहा है कि संपर्क के लॉरेंस बिश्नोई के। अज ही मानसा पुलिस ने जेल च बंद मनमोहन सिंह मोना प्रोडक्शन वारंट से हिरासत से लिया है। पांच दिन की रिमांड पुलिस को हासिल हुई है। तो अज चेहरे पर मास्क पा के एक मुलजम जब सीआईए हैडक्वार्टर लिया वेख्या गया तो समझा ही जा रहा है कि यह मनमोहन सिंह मोना ही है, जिसनों सामने बिठा के लॉरेंस बिश्नोई को इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस। ऐसे खबर से अपडेट लिए फिलहाल सीधा रुक करांगे साढ़े सहयोगी अंकुश महाजन जुड़ रहे हैं। अंकुश, जानना चाहेंगे तुहाडे कोलो लगातार सूत्रों के हवाले तो वड्डी जानकारी निकल के सामने आ रही है और कई राज दसिया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई उगल रहा है। हुण दसिया जा रहा है कि एक होर मुलजम सीआईए हैडक्वार्टर लिया गया, इस बारे की है अपडेट? बिल्कुल अमित, हुने थोड़ी देर पहला मनमोहन सिंह मोना जिन्हों अज मानसा पुलिस ने रिमांड लिता, पांच दिन का रिमांड उसको मिले, तो उसको लैके थोड़ी देर पहला ही मानसा पुलिस जी है सीआईए खरड़ आई है। तो हुण लॉरेंस बिश्नोई दे सामने बिठा के जी पूछगिछ की जानी है। अगर मनीए तो जरा सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले के जरा मनमोहन सिंह मोना है ये ग्यारहवां आरोपी हो सकता है, क्योंकि ये जी जानकारी मिल रही है कि संदीप केकड़े के नाल जरा मनमोहन सिंह मोना है इसने भी जी है उसकी गड्डी की जी रेकी की थी। हालांकि जिसकी संदीप केकड़े की तो उस दिन की जी वीडियो वायरल हुई थी, जिस दिन सिद्धू मूसेवाला अपनी गड्डी से बैठ के बाहर निकले थे, जिसको थोड़ी ही देर बाद उसका कतल कर दिया गया। लेकिन उस जरा मनमोहन सिंह मोना के बारे जानकारी मिल रही है, इसने जी है विधानसभा चोणों के दौरान, यानी अगर कहिए तो फरवरी मार्च के जी है सिद्धू मूसेवाला की जी रेकी की थी, तो उसकी जी रेकी का काम इसको जी जानकारी जनू सूत्रों के हवाले तो मिल रही है, इसमें जग्गू भगवानपुरिया के कहने से इसने जी है वो रेकी की थी। जग्गू भगवानपुरिया के लॉरेंस बिश्नोई के साथ नजदीकी संबंध मने जाते हैं, तो इसीलिए वालों ही कहा गया था कि जग्गू भगवानपुरिया के कहने से ही जरा मनमोहन सिंह मोना है इसके वालों जी रेकी की गई थी। मनमोहन सिंह मोना पहले ही जी मानसा की जेल के कैद है, क्योंकि उसके उत्ते कई संगीन धारावा के तहत मामला चल रहा है। तो एक पटियाला तो लगभग 30 मार्च 2022 गिरफ्तार किया गया था, तो कुछ उस तो जड़े हथियार बरामद हुए थे, तो उस तो बाद इसको गिरफ्तार किया गया था आम जज के तहत। तो यह भी हम जानकारी मिल रही है कि मनमोहन सिंह मोना वालों ही बिल्कुल समझा जा सकता है कि पुलिस हम लगातार कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। बेहद शुक्रिया अंकुश, सारी जानकारी साढ़े दर्शकों तक पहुंचाने लिए। तो मनमोहन सिंह मोना दसिया जा रहा है कि सीआईए हैडक्वार्टर लिया गया है, लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिठा के पूछगिछ की जाएगी। अगली वड्डी खबर का रुख कर दें, कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड के नाम से फरौती मंगी गई है। जी हाँ, मामला निकल के आया अमृतसर के पिंड पिट्टे बिड़ के वसनीक जसबीर के कोलों 5 लाख रुपए की फिरौती मंगी गई है। जी हाँ, लगातार अजिहे मामले सामने आ रहे हैं, पंजाब को लैके दिल्ली, दिल्ली तो लैके गुड़गांव मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिश्नोई गैंग के मैंबर फरौतियां मांग रहे हैं, हालांकि वाकई जी बिश्नोई गैंग के मैंबर जिन्हें मैंबर हैं या फिर उसके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, यह पुलिस पड़ताल कर रही है। फिरौती ना देने परिवार को जानों मारन की धमकी दी गई है, पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। जी हाँ, तुम्हें दस दी एक बार मुड़ तो कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड, जो कि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले के भी शामिल दसिया जा रहा है, उसके नाम से हुण फिरौती की मांग की गई है। अमृतसर के पिंड पिट्टे पिंड के वसनीक जसबीर के कोलों 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है गोल्डी बराड के नाम से। फोन करने वाला खुद को गोल्डी बराड का गैंग का मैंबर दसदा है, 5 लाख रुपया ना देने की सूरत जानों मारन की धमकी इस परिवार को दी गई है।